कहते हैं जंग जमीन पर होती है लेकिन उसे जीता जियोपॉलिटिकल लेवल पर जाता है। गए वो दिन जब ज्यादा सेना, एडवांस हथियार और बेस्ट वॉर स्ट्रेटजी से युद्ध जीता जाता था। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है साहब, और 17 सितंबर को जो लेबनान में हुआ वो साफ साफ बयान करता है कि कैसे केवल एक छोटा सा गैजेट भी जंग को शुरू होने से पहले ही आपके पक्ष में लाग सकता है। इसराइल की इस खतरनाक साइबर पावर ने एक तरफ जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वहीं भारत जैसे देश के लिए ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत कितना सिक्योर है। हम खुद भी तो कई हथियार बाहरी देशों से लेते हैं, खुद 30-40% तक हमारे इलेक्ट्रिकल आइटम चाइना से आते हैं। तो क्या कल को चाइना भी भारत पर ऐसा अटैक कर सकता है? अगर हाँ तो इससे बचने के लिए हमारे पास कौन सी साइबर पावर है? आखिर कैसे इन सब को रोका जा सकता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर चाइना की साइबर पावर कहां तक पहुंच चुकी है। देखिए, 20 साल पहले हमारे आर्मी चीफ रहे जनरल एस पद्मनाभ ने कहा था, जो आज युद्ध हो रहे हैं वो भविष्य में होने वाली वॉर से काफी अलग है। उनका मानना था कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब युद्ध सिर्फ सोल्जर्स और टैंकों से नहीं बल्कि बिल्कुल ना दिखाई देने वाले हथियारों से लड़े जाएंगे। उनका इशारा रोजमर्रा में इस्तेमाल हो रहे डिवाइसेस को ऑपरेट करने वाले साइबर सिस्टम की ओर था। हालांकि जनरल एस पद्मनाभ अपनी उसी बात को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन उस वक्त उनकी बातें सबको एक कल्पना लगी थी। बट नाउ कट टू प्रेजेंट, तो ऐसा हो रहा है। और इसका जीता जागता सबूत लेबनान के हॉस्पिटल्स में पड़ा है। आलम तो यह है साहब कि आज लेबनान के हॉस्पिटल में 3,000 से ज्यादा लोग घायल पड़े हैं, कई तो मर चुके हैं और कुछ इलाज की राह देख रहे हैं। इसमें हालांकि हिजबुल्लाह के लोग घायल हैं, लेकिन कुछ ऐसे आम लोग भी हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यहां भारत के सामने ये खड़ा हो गया है कि कल अगर ऐसा हमला भारत के दरवाजे तक पहुंचा तो हम क्या करेंगे। अब इस सवाल का सही जवाब आपको देने से पहले चलिए भारत की करंट सिचुएशन को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जियोपॉलिटिकली देखें तो भारत के दो ही दुश्मन हैं। हालांकि इस लिस्ट में अब बांग्लादेश की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन भारत के साथ उसका टेक्नोलॉजी को लेकर इम्पोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। वही बात पाकिस्तान और चाइना की करें तो पाकिस्तान की खुद की टेक्नोलॉजी अभी भारत से कहीं पीछे है, और इनके साथ हमारा कोई टेक्निकल व्यापार भी नहीं है। लेकिन चाइना वो गले की हड्डी है जो भारत के लिए हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करती रही है। हालांकि चाइना के साथ रिश्ते हमारे काफी डिप्लोमेटिक हैं, लेकिन माइक्रोचिप से लेकर कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम आइटम्स हैं जो हम चाइना से लेते हैं। आज भारत में 56% इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम आइटम्स चीन और हांगकांग से आते हैं। सीमा विवाद की वजह से भारत और चीन के रिश्ते खराब दौर में। खतरा इसलिए भी है क्योंकि भारत आने वाले सिर्फ 10% डिवाइस की ही स्कैनिंग होती है, बाकी 90% चेक ही नहीं होते हैं। कैन यू बिलीव कि इंडिया में 90% टेक्नोलॉजी ऐसी है जो चेक्ड ही नहीं है? और जरा सोचिए, अगर इन्हें हैक कर लिया जाए तो क्या तबाही आ सकती है। खुद आज इंडिया के साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट वॉच जैसा हर डिवाइस बम की तरह इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें बैटरी लगी है और वो इंटरनेट से ऑपरेट होता है। इसलिए विदेश से आ रहे हर डिवाइस की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हथियार बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और भारत में मोबाइल फोन यूज करने वाले सबसे ज्यादा यूजर हैं। स्पेशली चाइना के तो कई ब्रांड्स का सबसे बड़ा मार्केट ही इंडिया में है। इसलिए ऐसे भी चांसेस हैं कि फ्यूचर में इस तरह का दावपेच चाइना से देखने को मिल सकता है, और इसे हाइब्रिड और एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ये परंपरागत तरीके से लड़े जाने वाले युद्ध से ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के वॉरफेयर में हर नागरिक जवान की भूमिका होती है। अब वर्दी वाले से ज्यादा युद्ध कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बैठकर साइबर एक्सपर्ट लड़ते हैं। हमारी आर्मी सिक्योरिटी फोर्स देश के अंदर और सरहद की सुरक्षा करने के लिए खड़ी है। साइबर वॉरफेयर की इस नई चुनौती के बारे में ज्यादा जागरूकता किसी को नहीं है, लेकिन इसे लोगों तक फैलाना होगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, हमें अपने आसपास लोगों पर नजर रखनी होगी। अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसकी खबर पुलिस को देनी होगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी से भारत में बाहरी से ज्यादा आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। भारत जैसे अलग अलग विचारधारा वाले लोकतंत्र में और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर उग्रवादियों के हाथ में इस तरह की
शुरुआत नीक लग जाए तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि साइबर वॉरफेयर के लिए भारत के पास साइबर सेल, साइबर थ्रेट को काउंटर करने के लिए भारत की तैयारी कैसी है और क्या करने की जरूरत है। देखिए, साइबर वॉरफेयर के साथ लड़ने के लिए हमारे पास साइबर सेल्स हैं। हमने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं जो ऐसी एक्टिविटी पर निगरानी और सर्वेलांस का काम करते हैं। अभी हालांकि हम इजराइल के लेवल पर एडवांस नहीं है, लेकिन हमें अपनी तकनीक को इतना बेहतर बनाना होगा कि कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो हम उसे ट्रैक कर सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे ऐप से हमारा डेटा दुनिया भर में शेयर हो रहा है। ऐसे में सर्विलांस और इंटेलिजेंस को मजबूत करने की जरूरत है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ से बम बन सकते हैं नॉर्मल डिवाइस। जी हाँ, अगर भारत में पेजर के इस्तेमाल की बात करें तो अभी तो ये ना के बराबर है, लेकिन 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। वेल, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट कोई नई बात नहीं है। फोन्स और लैपटॉप्स की बैटरी फटने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ये आमतौर पर बैटरी में खराबी और ड्राइवर के मैनिपुलेशन की वजह से होती है। इसका मतलब ये है कि फोन और लैपटॉप में भी आराम से ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन असल में ये इतना भी इजी नहीं है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लेबनान के मामले में क्लियर था कि पेजर कहां से आ रहे हैं और कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है। इसमें पूरी सप्लाई चेन को मॉनिटर किया गया। भारत में फोन बनाने वाली कई कंपनियां हैं, कौन सा फोन कौन इस्तेमाल करेगा ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए फोन से टारगेट को नुकसान पहुंचाना आसान भी नहीं है। इसके लिए स्पेसिफिक इनपुट चाहिए। लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्लास्ट किया जा सकता है। इसमें सेंसर और बैटरी बेस्ड वेरिएबल्स शामिल हैं। ये स्ट्रॉन्ग टेस्ट साइकिल से गुजरते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए उपाय आखिर में ये निकल कर आता है कि सख्त से सख्त नियम बनाए जाएं। इसके अलावा एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग सिस्टम भी बनाना चाहिए, वरना जो लेबनान में हुआ है साहब, वो भारत में भी दोहराया जा सकता है। लेबनान में ब्लास्ट हुए पेजर या वॉकी टॉकी में छेड़छाड़ उनके बनने के दौरान हुई। इसे रोकने के लिए मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट मजबूती से लागू करना होगा। अगर पार्ट्स कहीं और से आ रहे हैं और असेंबल हमारे देश में हो रहे हैं तो उन्हें सेफ करना आसान हो जाएगा। इसके लिए सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसियों को उन जगहों पर कड़ी नजर रखनी होगी जहां से ये डिवाइस बनते हैं या फिर असेंबल होते हैं। इसके अलावा जिन डिवाइसेस को इंटरनेट से कंट्रोल किया जा सकता है उन पर नजर रखने की बहुत जरूरत है। भारत में लेबनान जैसा डिवाइस बनाने के लिए प्लांट में छेड़छाड़ की जा सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर अगर सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी नहीं रहेंगे, तो लेबनान जैसे हमले नहीं रोके जा सकते। वैसे आपको बता दें कि लेबनान में फटे पेजर ताइवान ब्रांड के थे। इन्हें ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो की यूरोपियन फ्रेंचाइजी ने बनाया था। भारत में चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है साहब कि क्या पोर्ट और या एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ठीक से जांच होती है। वेल, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हमारे पास एक स्कैनिंग डिपार्टमेंट है, वहीं बाहर से आने वाले शिपमेंट की स्कैनिंग करता है। हालांकि दिन भर में इतने शिपमेंट्स आते हैं कि हम सिर्फ 10% को ही स्कैन कर पाते हैं। इस दौरान शिपमेंट गोल्ड या विस्फोटक का पता लगाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोलकर चेक करना तो पॉसिबल ही नहीं है। हर दिन लाखों फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं, सभी को खोलकर देखना बहुत मुश्किल है। दूसरा, हमारे यहाँ वारंटी लैब्स की पॉलिसी है, वो इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर हमने फोन या गैजेट को खोलकर जांच की तो उसकी वारंटी लैप्स हो जाएगी। हालांकि शक होने पर डिवाइस को खोलकर भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। आइए बात करते हैं इस पॉइंट पर कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के खतरे रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है। वेल, इसका जवाब ये है कि चीन दुनिया में सबसे सस्ते ड्रोन इक्विपमेंट सप्लाई करता है। आर्मी के पास इनपुट है कि चीनी इक्विपमेंट से बने ड्रोन के जरिए हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कम्युनिकेशन, कैमरा, रेडियो, ट्रांसमिशन और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को टारगेट किया जा सकता है। कुछ इनपुट्स के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलिट्री ड्रोन में चीनी इक्विपमेंट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 25 जून 2024 को मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने FICCI, SOCHM और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स सहित प्रमुख इंडस्ट्री बॉडीज को लेटर लिखा था। उनसे अपनी मेंबर कंपनियों को चीनी पार्ट्स के इस्तेमाल करने के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। ये निर्देश खासतौर से तीन कंपनियों, दक्ष अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, स्काई इंडस्ट्रीज और गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए था। ये कंपनियां सिक्योरिटी एजेंसियों को ड्रोन सप्लाई कर रही हैं। इसके बाद तीनों कंपनियों ने दावा किया था कि वो किसी भी चीनी सामान का इस्तेमाल ड्रोन में नहीं करती हैं।
लेकिन ये तो जाहिर है कि चीन में बने इक्विपमेंट से डिफेंस मिनिस्ट्री और सरकार वाकिफ है। वैसे इसके अलावा एक और सवाल ये भी है कि क्या ड्रोन की तरह चीन में बने फोन इस्तेमाल करने पर भी सेना ने रोक लगाई है, और क्या उनसे भी कोई उन्हें खतरा है। तो बता दें कि ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेना की ओर से नहीं हुआ है। इस पर एक एडवाइजरी जारी की गई थी, रोक अभी नहीं लगाई गई है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि चीन में बने फोन इस्तेमाल करने पर पूरी तरह रोक लगाने की जरूरत है। भारत में फोन बनाने का दावा करने वाली ज्यादातर कंपनियां फोन के पार्ट्स चीन से ही मंगवाती हैं। अगर उनमें एक्सप्लोजिव है तो इस्तेमाल से पहले स्कैन करके पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि वो इन गैजेट्स के जरिए हमें सुन नहीं रहे हैं। वैसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि भारतीय सेना ने अपना भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। इस पर चलने वाले फोन सेफ तो है ही, साथ ही 5G को भी सपोर्ट करते हैं। इसे संभव यानी सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन नाम दिया गया है। अभी बड़े अफसर ये फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इसे हर जवान तक पहुंचाने की तैयारी है। मगर इसमें भी एक खतरा है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ी है। सुरक्षा बलों और एजेंसियों को चकमा देने के लिए आतंकी टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा ले रहे हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक दरअसल पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकी अल्पाइन मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें पहाड़ों पर ट्रैकर्स यूज करते हैं। आतंकी चाइनीज अल्ट्रा हैंडसेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेलफोन की तरह काम करता है, साथ ही इसमें रेडियो इक्विपमेंट्स भी होता है। इसकी मदद से आतंकियों को पहाड़ों पर नेविगेशन में मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने टारगेट पर सटीक हमला कर रहे हैं। खुद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं, जम्मू में राजौरी, पूंछ, कठुआ, सांबा में हुआ आतंकी हमलों से पता चला है कि आतंकियों के पास न सिर्फ खुद की लोकेशन ट्रैक करने के टूल्स थे, बल्कि उनके पास भारतीय सुरक्षा बलों के मूवमेंट की भी जानकारी थी। हो सकता है कि भारत के जवान चीनी कंपनियों के फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए भी ट्रैकिंग हो रही है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं साहब कि चीन से इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो किसी को भी सिर्फ कमांड देनी है और वो किस तरह का ऐप चाहता है, AI वैसा ऐप बनाकर दे सकता है। चीन के हुआवे कंपनी पर कई देशों ने रोक लगाई है। कंपनियों के सॉफ्टवेयर के जरिए चीन की नजर होती है और वो अपने हित में उस जानकारी का इस्तेमाल करता है। आज जिस टेक्नोलॉजी और AI को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल आतंक और युद्ध में भी किया जा सकता है। हमारे देश को ऐसे खतरों के लिए सतर्क रहना होगा और खुद को तैयार करना होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक्स लेकर, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।